बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सफ़ेदे की काश्त, इसकी खसूसियात और इसके काश्त के ड्रॉबैक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आपने अक्सर वीडियोस में यूट्यूब पर या वैसे आपने पढ़ा होगा कि सफ़ेदे की काश्त से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि कैसे इससे लाखों या करोड़ों कमाए जा सकते भी हैं कि नहीं कमाए जा सकते, इस फ़ायदे की खसूसियात क्या हैं और इसकी काश्त कैसे की जा सकती है और इसकी काश्त के लिए रकबा कितना दरकार होगा और इससे इसकी लकड़ी से कैसे कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ओके दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सफ़ेदे की लकड़ी से की काश्त से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें बताता चलूं कि इस वक्त मैं किसी एग्रीकल्चर लैंड में तो नहीं हूं जहां पे इसकी काश्त की हो, लेकिन मैं इसको आपको तकरीबन इसकी तमाम खसूसियात बताऊंगा कि कैसे इसको एग्रीकल्चर लैंड में काश्त करना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, सफ़ेदे की काश्त सफ़ेदा एक ऐसा दरख्त है जिसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और सफ़ेदे की काश्त के लिए जो मौजूद ज़मीन है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो इसके लिए बहुत मौजूद है, वो सेम वाली कलर और थोर वाली, और कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसी ही ज़मीन में काश्त किया जाए क्योंकि सफ़ेदा जो है ये बहुत ज़्यादा पानी पीता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जाता है कि ये पानी अपने अंदर इतना ज़्यादा जज़ब करता है कि अगर इसको आप मेरा ज़मीन में काश्त करें तो ये ज़मीन इसका पानी ये ज़मीन का पानी बहुत पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि सफ़ेदा की काश्त कलर सेम या थोर वाले इलाके में की जाए, ना कि मेरा ज़मीन पे की जाए। अब मैं आपको बताता चलूं कि अब हम इसकी तरफ आएंगे कि इसको काश्त कैसे करते हैं और इससे कैसे लाखों और करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपको सफ़ेदे का पौधा किसी भी नर्सरी से इजीली मिल जाएगा और ये 10 या 15 रुपए का पौधा होता है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा और इसकी काश्त भी कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है। बस आपने पौधा ज़मीन में लगाना है और अगर तो वो कलर और सेम वाली ज़मीन है तो उसका तकरीबन उसको पानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसको मेरा ज़मीन में लगाएंगे तो उसके लिए इसके पानी की ज़रूरत होगी और आप उसके लिए आपको 3 या 4 पानी देने होंगे लाजमी। आगे मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, सफ़ेदा की काश्त पाकिस्तान में जो कलर और सेम वाले इलाके हैं, जिनमें भावलनगर के कुछ इलाके हैं, मिंचनाबाद, फोटाबाद, खानेवाल, मियांवाली, जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ जो हैं, इसके अलावा सिंध के कुछ एरियाज़ जिनमें सफ़ेदा की काश्त की जाती है शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर थोर सेम ज़्यादा इलाके बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी फसलें नहीं काश्त होती तो लोग प्रेफर करते हैं कि सफ़ेदे की काश्त की जाए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सफ़ेदे से कैसे आप लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसको आप लाखों या करोड़ों कमाना चाहते हैं, एक तो ये थोड़ी सी लंबी फसल है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर में लोग आपने देखा होगा कि जो मेरा ज़मीन है, जो बहुत अच्छी काश्त वाली ज़मीनें हैं,
वहाँ पे लोग दो दो तीन तीन फसलें एक साल में ले लेते हैं, लेकिन सफ़ेदे से ऐसा मुमकिन नहीं है। सफ़ेदा अगर आप लगाएंगे तो ये तकरीबन दो तीन या चार साल बाद ये काबिले फ़रोख्त होगा। इससे पहले इसको आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, ना ही आप इससे कोई बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इससे लोग लाखों या करोड़ों कमा सकते हैं। दोस्तों, सफ़ेदा अगर आप एक एकड़ में तकरीबन काश्त करते हैं तो उसके लिए अगर आप तीन या चार या पाँच फुट जो है वो एक बड़ी रीज़नेबल लेंथ है। ये देखें, ये पौधे आप देख रहे होंगे, ये तीन या चार फुट पे लगे हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया हुआ है। अगर आप तीन या चार फुट या पाँच फुट पे लगाते हैं तो तकरीबन आप एक एकड़ में इसके 25 एक एकड़ में 2,200 पौधे लगा सकते हैं। और तीन से चार साल बाद ये काबिले फ़रोख्त हो जाता है पौधा। और ये आप ये जो दो पौधे देख रहे हैं या ये देख रहे हैं, ये तीन साल का पौधा है। और अगर आप इसको फ़रोख्त करेंगे तो ये 300-400 रुपये में फ़रोख्त हो जाएगा। अगर आप 2,000 के हिसाब से हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 2,000 पौधों का तकरीबन 6 लाख बनता है। तो इसका मतलब है सालाना आप एक ऐसे 2 लाख रुपये कमा सकते हैं सिर्फ 3 से 4 साल में। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखें कि इसकी जो अगर आप बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो इसकी फसल 8 से 10 साल पे मुहीत लाजमी करें। ये पौधा आप देख रहे होंगे, ये तकरीबन 10 से 15 साल का होगा। तो इससे आप वाकई अगर ऐसे आपके पौधे हो जाएँ तो आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि लोग इसकी लकड़ी किस किस काम आती है। दोस्तों, सफ़ेदे की लकड़ी माचिस बनाने में स्पेशली तौर पर यूज़ होती है। और इसके अलावा ये जो फ्रूट्स वगैरह पैक होते हैं, स्पेशली जो हम बैरून मुल्क बेचते हैं, उसमें इसकी लकड़ी यूज़ की जाती है। उसमें फ्रूट सेव रहता है, फ्रूट को दबाव नहीं आता, फ्रूट जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए इसको उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे सफ़ेदा एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको साया के लिए तो नहीं यूज़ किया जाता, गांव वगैरह में इसको ज़्यादातर लोग फरोख्त करने के लिए ही इसकी फसल काश्त करते हैं। एक बात और मैं बताता चलूँ कि इसको कोशिश करनी चाहिए कि कलर और थोर वाली ज़मीन या सेम वाली ज़मीन में ही काश्त किया जाए, इसको मेरा ज़मीनों में काश्त ना किया जाए, क्योंकि मेरा ज़मीनों के पानी बहुत नीचे होते हैं तो ये पानी बहुत ज़्यादा खींचता है और बहुत ज़्यादा हवा में ख़ारिज करता है। जैसे कि इसको जो है पानी खींचने वाला पंप भी खा जाता है। दोस्तों, मैं आगे आपको बताता चलूँ कि इसकी जड़ें, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, तकरीबन ये 30 मीटर से भी ज़्यादा लंबी होती हैं। और ये इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पानी जज़ब करता है। मैं ये जो देखो जो आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पार्क की बाउंड्री में इन्होंने लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए हैं। देखें आप, चार चार पाँच पाँच फीट पर पौधा लगा हुआ है। ये कुछ थोड़ा सा कुछ एरिया खाली भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। 4-5 फीट पे पौधा लगाया हुआ है। और अगर आप भी सफ़ेदा की काश्त करना चाहते हैं, आपके पास अगर कलर थोर या सेम वाली ज़मीन पड़ी हुई है तो आप इस पे सफ़ेदा काश्त कर सकते हैं। और इससे वाकई लाखों, बल्कि अगर आप ज़्यादा रकबे पे काश्त करेंगे तो करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने इसको मीरा ज़मीन में काश्त करना है और बड़े रकबे पे काश्त करना है तो कोशिश करें कि उसके लिए आपके पास ट्यूबवेल या टर्बाइन भी ज़रूरी हो, क्योंकि उसके बगैर आप इसको काश्त करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा।
क्योंकि कलर और सेब में तो वाली ज़मीन में तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप इसे मीरा ज़मीन में काश्त करते हैं तो इसके लिए आपको इसको 3-4 पानी लाजमी देने होते हैं ताकि ये अपनी जड़ पकड़ ले। हाँ, जब ये जड़ पकड़ लेता है तो फिर इसको पानी की ज़रूरत देने की नहीं है, लेकिन पहले पहल आपको इसको पानी देने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। माशाल्लाह इसकी लंबाई आप देख रहे होंगे, इसकी लंबाई ये तकरीबन 50 से 60 फीट एवरेज इसकी लंबाई होती है, और बाल पौधे तो इससे भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। इस दरख्त के बारे में ये कहा जाए, जैसे कि वो मुहावरा है, दरख्त लगाएं और वक्त जगाएं, तो इसके बारे में गलत नहीं होगा कि दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं और पैसे भी कमाएं। दोस्तों, सफेदे के दरख्त को यूकलिप्टस भी कहा जाता है। और इसकी जो काश्त है वो आप जो मौजूद टाइम है वो जुलाई से फरवरी तक का है। इसमें अगर आप काश्त करेंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और जड़ पकड़ लेते हैं, इसलिए कोशिश करें कि इसकी जो काश्त है वो जुलाई से फरवरी के दरमियान। ये देखें, ये बहुत अच्छी 5-5 फीट के तकरीबन लगे हुए पौधे और बहुत कामयाब पौधे हैं इनके लगे हुए, और इनकी आप देख रहे होंगे मोटाई, ये कम अज़ कम भी इनके अगर एज हुई तो ये 5 से 7 साल, 8 साल, 9 साल के हैं। ये एक छोटा पौधा भी है जो 3, 4 या 5 साल का होगा। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा सफेदा फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट्स में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल में आपको इसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। उम्मीद है आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी जो भी वीडियो, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये देखें माशाल्लाह इसकी लेंथ आपको नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लेंथ है। ओके दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।